हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो सबके सब? होप सो सबके सब बढ़िया हो गए, डूइंग वेल इन लाइफ। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको अमरनाथ की यात्रा करनी है तो बहुत लोगों का कंसर्न रहता है कि भाई करने को तो कर सकते हैं बट खर्चा कितना आएगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि खर्चा किस हिसाब से आपका रहता है। तो भाई अगर आप अमरनाथ यात्रा में जाना चाहते हो तो भाई आप किसी भी स्टेट से हो, सबसे पहले आपको जम्मू तक आना पड़ेगा, जिसका किराया मुझे नहीं पता है और सबका अलग अलग रहेगा स्टेट्स में। मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश से आ रहे हो तो ज़्यादा रहेगा, पंजाब से आ रहे हो तो कम रहेगा। तो भाई उनको ऐड नहीं करेंगे हम। मैं आपको जम्मू से अमरनाथ तक का बताऊँगा, फिर बाकी जो आपका होगा वो आप खुद ऐड करके देख लेना कि आपका कितना आ रहा है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं जम्मू से। भाई सबसे पहले तो आपको जम्मू में आना पड़ता है यात्रा भवन भगवती नगर में, जहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। अगर आप अपनी गाड़ी लेके आए हो आपकी तो भी रजिस्ट्रेशन होगी, और अगर आप गवर्नमेंट बस में जाने वाले हो आपकी तो भी रजिस्ट्रेशन होगी। और भाई अगर आप जम्मू में आए हो और आप रहने का सोच रहे हो तो रहना यहाँ पर फ्री रहता है यात्रा भवन में। बट अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आपको नहीं रहना, आपको फैसिलिटी सही नहीं मिल रही, और अगर आप होटल में रहना चाहते हो तो वो प्राइस वेरी करेगा, तो उसको ऐड नहीं करते। तो भाई देखो, जम्मू से आपको जाना है अमरनाथ, तो जम्मू से जो अमरनाथ जा रही हैं गवर्नमेंट बसेस की बात करें तो वो ले रही हैं 1200 पर पर्सन। और आने का और जाने का आप लगा लो, आपका हो जाएगा 2400। तो आपके आने और जाने का हो गया 2400। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं रहता है कि आप किसी भी स्टेट से आए और रजिस्ट्रेशन करवाई और गाड़ी में बैठ के चल पड़े। उसमें कुछ प्रोसीजर रहता है, आपको एक मेडिकल का फॉर्म लेना पड़ता है, 1200 का वो मिलता है J&K बैंक से शायद। वो 1200 का मेडिकल का फॉर्म होता है और वो आपको भरवाना होता है, और आपको मेडिकल होता है। अगर आप फिज़िकली फिट हो वहाँ जाने के लिए तो फिर आपको ग्रीन चिट दी जाती है कि आप जा सकते हो। अब मेडिकल का मैं ये श्योर नहीं हूँ कि अमरनाथ भगवती नगर में होता है या जम्मू में होता है कि अमरनाथ में होता है, तो ठीक है वो थोड़ा है बट होता है। ठीक है, 1200 का फॉर्म होता है वो लगता है, तो आपके 2400 में 1200 प्लस हो गए, वो हो गए 3600। भाई जम्मू से आप निकले पहलगाम के लिए, आप पहलगाम पहुँचे, वहाँ पे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइज़ किए हुए होते हैं रहने के लिए। अगर आप वहाँ पर रहना चाहो तो ठीक है, नहीं तो अपने होटल में रहना चाहो तो वहाँ पर आपका अलग पैसे लगेंगे। फिर आप अगले दिन जाते हो वहाँ से वो अमरनाथ केव। अगर अमरनाथ केव में वहाँ पे तो आपको वहीं पे रहना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइज़ किए हुए या फिर टेंट भी मिलते हैं वहाँ पे रहने के लिए, वो आपके ऊपर है। और फिर आप नीचे आए भाई, आप फिर नीचे आते हो वहाँ पे, फिर आपकी मर्ज़ी आपको कहाँ पे रहना है। ठीक है, तो तभी मैं उनको ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यार वो आपकी मर्ज़ी होती है कि आपको रहना है कि नहीं रहना, तो उनको तभी ऐड नहीं कर रहा हूँ। नीचे आए आप, बस में बैठे, वापस आ गए 1200। आपका मेजर कंसर्न ये रहेगा कि मैंने खाने पीने का तो ऐड ही नहीं किया। तो खाने पीने का ऐसा रहता है कि जगह जगह पर लंगर लगे रहते हैं, जगह जगह पर, मतलब हर 20 किलोमीटर पे आपको एक लंगर मिल जाएगा, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है वहाँ पे। तो लंगर आप खा सकते हो, अगर आपका मतलब आप बहुत ज़्यादा रिच हो या फिर ऐसे हो कि आपको नहीं खाना तो वो अलग चीज़ है, ठीक है, वरना आपको लंगर हर जगह मिल जाते हैं। और भाई रूम्स का आप सबको बता देता हूँ, तो भाई अगर आप यात्रा भवन में रहना चाहते हो ना तो आप रह सकते हो, वहाँ पे आपका फ्री रहता है। और अगर आपको एसी वाला रूम चाहिए, हॉल चाहिए, तो वहाँ पे आपके 50 रुपीज़ लगते हैं और आप एसी वाले रूम में रह सकते हो या हॉल में रह सकते हो। तो रूम का यही सिस्टम रहता है यहाँ पर भी, अमरनाथ पहलगाम में भी, बट पहलगाम में आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही इतनी ठंड रहती है, तो सिर्फ यहाँ पर वो होता है 50 रुपीज़ एसी का, वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, तो वहाँ पर आप फ्री में ही रह सकते हो। तो भाई अब आपके टोटल बजट की बात कर ले तो आप जम्मू अमरनाथ यात्रा भवन से जाओगे पहलगाम तो आपके लगेंगे 1200 रुपये। ठीक है, वहाँ पे रहने का कोई चार्ज नहीं लगेगा, या वहाँ से ऊपर जाओगे कोई चार्ज नहीं लगेगा, खाने पीने का कुछ भी नहीं लगेगा, नीचे आओगे आपका कुछ भी नहीं लगेगा, एक आपका मेडिकल का 1200 रुपये लग गया होगा। फिर आप नीचे आओगे, फिर बालटाल से आप जम्मू आओगे, उसमें आपका लगेगा 1200 रुपये। और अगर आप उस दिन वापस आके रहे तो आपका 50 रुपये लगेंगे एसी रूम के लिए, और एसी की नहीं चाहिए तो फिर आप फ्री में रहोगे। और पहले दिन जब आप आए होगे, मतलब फर्स्ट डे जिस दिन आप जम्मू पहुँचे होगे, उस दिन भी अगर आपको एसी में रहना तो 50 रुपीज़ लगेंगे, अगर नहीं रहना तो फ्री में रह सकते हो। अगर आप मतलब ऐसे नवाबों की तरह रहना चाहते हो कि भाई अपनी गाड़ी लेके जानी है और ये वो, मतलब नवाबों की तरह रहना है, होटल में रहना है, अपना रहना है, तो भाई वो तुम्हारी अपनी खुद की मर्ज़ी है, उसमें तुम्हारा 20-30 हज़ार से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में, बहुत शॉर्ट सी वीडियो थी, बहुत लोगों का मेजर सा कंसर्न रहता है, तो मैंने आपका कंसर्न क्लियर कर दिया।
और बाकी मुझे याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, ठीक है, बाय।